और दोस्तों आप लोग प्रो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ब्लॉगिंग ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करने के लिए एक बढ़िया सा कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हो वो भी 25,000 के अंदर, और 25,000 एक परफेक्ट प्राइस सेगमेंट है किसी भी एक अच्छा स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन के बारे में जिसे आप लोग 25,000 के अंदर परचेस कर पाओगे। और ये सारे स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा OIS के साथ जिससे आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और टेलीफोटो लेंस भी मिलेगा, और पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस के साथ साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और कर्व डिस्प्ले मिलेगा, और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन टॉप नॉच लेवल का दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F54 5G। 30,000 के अंदर एक लेटेस्ट अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को, 8000 nit peak brightness, HD 10 प्लस का सपोर्ट, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और परफॉर्मेंस का बात किया जाए तो सैमसंग की तरफ से Exynos 1380 का 5G चिपसेट मिल जाती है जो 5nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 5 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर 10 5G का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया जाए तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 108 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रावाइड और 2 MP मैक्रो, 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट, फान एंड रेयर दोनों ही कैमरा से 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 6000 mAh की बड़ा सा बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 25W चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, One UI 5.1 पे बेस्ड है। 4 साल का OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। NFC का सपोर्ट और स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलता है। स्मार्टफोन का डिजाइन बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाती है, LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज। और प्राइस की बात की जाए तो 8GB RAM 128GB वाला वेरिएंट अभी के टाइम पे 25,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है Vivo T2 Pro और IQ की तरफ से Z7 Pro। और गाइस आप लोगों को एक पावरफुल लेवल का स्मार्टफोन चाहिए कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला, तो आप लोग ये दोनों स्मार्टफोन में से कोई सा भी एक स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो क्योंकि ये दोनों स्मार्टफोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.78 इंच का फुल HD प्लस 3D का AMOLED डिस्प्ले आता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को, 1300 nit peak brightness, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और स्मार्टफोन का पीछे भी ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। और परफॉर्मेंस का बात किया जो MediaTek की तरफ से Dimensity 7200 का 5G डिस्प्ले आता है जो 4nm आर्किटेक्चर में बेस्ड है, 7 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर, 10 5G का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया जाए तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 2 MP डेप्थ और 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाती है, 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है ये स्मार्टफोन में। 4600 mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 66W का फास्ट चार्जिंग को, 0-50% चार्ज 22 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, फांटा जो इस पे बेस्ड है, LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज। फाइनली स्मार्टफोन का प्राइस की बात की जाए तो 8GB RAM 128GB मेमोरी मिल जाएगा 23,999 रुपीज में, डिस्काउंट लगाकर 22,000 के अंदर मिलेगा। नंबर 3 पे आता है Redmi Note 13 Pro। 25,000 के अंदर Redmi की तरफ से एक जबरदस्त लेवल का स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो Redmi Note 13 Pro की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ फ्लैट AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को, 1800 nit peak brightness मिल जाता है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट, Dolby Vision का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। डिस्प्ले इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है ये स्मार्टफोन में। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7X Gen 2 का चिपसेट मिल जाता है जो 4nm फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 6 लाख के आसपास एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है, 10 5G का सपोर्ट दिया गया है, LPDDR4X RAM, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा। कैमरा का बात किया जाए तो स्मार्टफोन का पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 200 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 8 MP का अल्ट्रावाइड और 2 MP मैक्रो, उसके साथ 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है, 5100 mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, MIUI 14 पे बेस्ड है, 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। IP54 का वाटर एंड डस्ट रेटिंग मिल जाता है, Dolby Atmos की तरफ से डुअल स्पीकर मिल जाता है।
स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन का प्राइस के बाद के जो 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट डिस्काउंट लगा के 25,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 2 पे आता है OnePlus की तरफ से Note CE 3। OnePlus की तरफ से एक अच्छा कैमरा के साथ आने वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट को। 950 नीट पिक ब्राइटनेस मिल जाता है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिलता है और 240 हर्ट्ज का ट्रांसमिट रेट दिया गया है। और परफॉर्मेंस का बात किया तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 782 का 5G चिपसेट मिल जाता है जो 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 7 लाख का ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। 8 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। ये स्मार्टफोन में पावरफुल लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। आज चलिए कैमरा का बात कर लेते हैं जिसके लिए OnePlus का स्मार्टफोन जाना जाता है। ये स्मार्टफोन का पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सोनी IMX890 सेंसर के साथ और OIS का सपोर्ट मिल जाता है। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा 2 मेगापिक्सल मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिलता है ये स्मार्टफोन में। और 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 80W फास्ट चार्जिंग को। 0 to 60 1% चार्ज 15 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा। ऑक्सीजन OS पे बेस्ड है। LPDDR4X रैम UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है। डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। ये स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात किया तो 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट आप लोगों को डिस्काउंट के टाइम पे 25,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है Realme 12 Pro। 25,000 के अंदर कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला एक टॉप नॉच लेवल का कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली Realme 12 Pro की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस 3D कर्व OLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट को। 950 नीट पिक ब्राइटनेस मिल जाता है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस की बात की तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 5,70,000 के आसपास एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। 9 5G का सपोर्ट दिया गया है और LPDDR4X रैम मिल जाता है। UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है। ये स्मार्टफोन में अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात की तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है सोनी IMX882 सेंसर के साथ। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। उसके साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और गाइस 25,000 के अंदर ये स्मार्टफोन को छोड़ के और कोई भी स्मार्टफोन में आप लोगों को टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है। और 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67W फास्ट चार्जिंग को। 0 to 50% चार्ज 19 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। Realme UI पे बेस्ड है। स्मार्टफोन में TDO स्पीकर देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन का प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट लगा के 25,000 के अंदर मिल जाएगा।